आज जो है काफी ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ, ये देखिए, एक फोन अपने लिए। और इस फोन के लिए मैंने काफी ज्यादा इंतजार किया। मैंने सोचा था कि अपना फोन चेंज करना है, तो आपने कई वीडियो में देखा भी होगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मुझे वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है और मैं एक बड़ी वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। और कहीं कहीं पर तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता था, जाता था शूट करने के लिए और मेरा जो कैमरा है वो हैंग होने लगता था, वीडियो जो है वो सही से शूट नहीं होती। तो फिलहाल इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज हो गया है और आज मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया फ़ोन। अब आगे आप इसी फ़ोन से वीडियो देखेंगे, जितनी भी वीडियो बनाऊँगा इसी फ़ोन से होंगी। और ये फ़ोन जो है सैमसंग गैलेक्सी A53 है। और कितने का फ़ोन पड़ा और क्या क्या मिला है इसमें मुझे, सब कुछ आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो खुल जा सैमसंग, और अब आपको कुछ इसी तरह के बॉक्स आगे देखने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह के फ़ोन अभी आने वाले हैं। तो ये है बॉक्स, ये बॉक्स ओपन हो गया था, पहले ही ओपन करके मुझे मिला है। और ये है फ़ोन, देख सकते हैं, ये है फ़ोन और इसका लुक आप देख सकते हैं। लुक आपको इसका कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इसे मैंने ऑन कर दिया है पहले ही, तो देख सकते हैं इसकी स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और अच्छी स्क्रीन है। कैमरे क्वालिटी के बारे में बात करें तो कैमरा जो है इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अच्छे आते हैं, देख सकते हैं। तो एक बार इसके कैमरे के ऊपर मैं बाद में एक अच्छी सी वीडियो बना करके आपको इसके बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी आपको फ़ोन दिखा देता हूं, ये देखिए कुछ इस तरह का है। और इसके साथ में मुझे कुछ खास नहीं मिला इसमें, ये यूज़र इसमें ये मिला था, इसके अंदर था ये वायर टाइप सी, और ये जो चार्जर है ये इसके अंदर नहीं था, ये मुझे अलग से ख़रीदना पड़ा। 1700 रुपये का ये चार्जर पड़ा है मुझे, और 33,999 रुपये का ये फ़ोन पड़ा मुझे। तो टोटल देखा जाए तो ये फ़ोन मुझे पड़ा है 36,000 रुपये का, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा फ़ोन हो गया है गाइस। और अभी आगे चल के आपको इसी फ़ोन से वीडियो देखने को मिलेंगी, शूट की हुई जितनी भी वीडियो आपको दिखेंगी, तो आगे चल के इसी से वीडियो शूट करने वाला हूँ। फिलहाल तो इसमें यही इतना सामान मिला है फ़ोन के साथ, और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे एक उन्होंने ये ब्लूटूथ हेडफोन दिया है, जो कि बूट का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है ये भी, ये देख सकते हैं ये दिया है इन्होंने। बस इतना ही सामान इसके साथ में मिला है गाइस, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। फ़िलहाल इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो एक बार डिटेल में मैं फिर वीडियो बना दूंगा, इसको यूज़ करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहेगा, जो भी है आपको आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप भी इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं, EMI पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसके फ़ीचर्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके फ़ीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। सो गाइस, अभी तो मैंने इसे बाय किया है और अभी मैं इसे यूज करूंगा, यूज करने के बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।